Hi guys, good morning, namaste, welcome or welcome back to my channel Killers of Life and welcome to another vlog. तो अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और मैं vlog start कर रही हूँ. ऊपर थोड़ा सा walk करके आई हूँ, अंदर जाके सबसे पहले breakfast कर लेते हैं. मैं खा रही हूँ ब्रेड जैम या मिक्स फ्रूट जैम है और उसके साथ चाय. पहले मैं चाय नहीं पीती थी लेकिन जब से मैंने नेबर को फ्रेंड बनाया है वो मुझे रोज़ चाय पीने के लिए बुलाती है तो मुझे भी अब चाय की आदत हो रही है. फिर कुछ कपड़े धोने थे तो इसको मैं निकाल रही हूँ. दो बेडशीट्स है, उसके बाद अमेज़ॉन का पार्सल तभी आ गया था तो मैंने ऑर्डर किया है ये जॉइंट पेन रिलीफ ऑयल. मुझे पैर में बहुत दर्द होता है तो इससे पहले मैं ऑर्थो ऑयल यूज़ कर रही थी, वो भी इतना इफेक्टिव नहीं रहा. फिर उसके बाद मैंने ये वाला ट्राई किया क्योंकि किसी ने मुझे ये रिकमेंड किया था कि ये अच्छा है, तभी मैंने इसको ऑर्डर किया है. तो मैं इसको दो तीन दिन यूज़ करने के बाद अगर अच्छा मुझे लगता है तो मैं इसका रिव्यू शेयर करूँगी. सो गाइज, मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है और मैंने लंच भी बना लिया. मैंने जल्दी जल्दी राइस लाल बना लिया. फिर मेरे ब्रदर इन लॉ ने बोला कि उनको मीट बनाना है तो मैं मीट, मुझे खाने का मन नहीं है और मैं पोर्क नहीं खाती हूँ, इसीलिए मैंने उनको किचन देखे. मैं ऊपर आ गई हूँ छत पर तो मैंने सिर्फ राइस दाल बनाया है. देखते हैं कुछ सब्ज़ी बनाऊंगी या फिर ऐसे ही खाऊंगी लंच के लिए. तो अभी मैं छत पे आई हूँ और लियो भी यहाँ पे घूम रहा है. और आज का वेदर बहुत डल है, आप लोगों को दिखाती हूँ. तो वेदर आप लोग देख सकते हैं बहुत ही डल है, धूप बिल्कुल भी नहीं है. मैंने कल कपड़े धो के सुखाए थे, शायद ये सूख गए होंगे तो उसको भी उठाना है. तो व्लॉगिंग के लिए अभी भी मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं हुई हूँ क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा ये करती हूँ कि मैं ट्राई करती हूँ कि मैं करूँ, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं, शॉपिंग, कल भी हम लोग शॉपिंग करने गए थे, लेकिन जब हम शॉपिंग करने गए हैं तो मतलब जो मैं किसी दूसरे लोगों के व्लॉग्स देखती हूँ ना, बहुत अच्छे से स्टोर का व्लॉग और बहुत अच्छे से बनाते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ ना, मैं व्लॉग बनाने की कोशिश करती हूँ ना, मुझे अंदर से ना कुछ फील होता है कि अरे लोग देख रहे हैं ऐसा. जब वही सेम चीज़ होता है जब हम रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, क्योंकि हम लोग वंस अ वीक तो जाते ही जाते हैं. मेरे हस्बैंड को भी बाहर का बहुत पसंद है, मुझे भी पसंद है, तो हम लोग जाते ही रहते हैं स्ट्रीट फूड कभी क्या, लेकिन वही होता है कि मैं कैमरा में कैप्चर नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मुझे ना अभी भी है एक लोग देख रहे हैं लोग क्या कहें, इसीलिए मैंने अपने रिलेटिव्स को भी नहीं बताया है कि मैं यूट्यूब पर व्लॉग्स बनाती हूँ. अभी तो बहुत लोगों को पता चल गया है लेकिन फिर भी कुछ कुछ लोग हैं मेरे इन लॉज के साइड भी नहीं पता है. तो अब मैं नीचे जाऊँगी और सुबह में मैंने कुछ कपड़े भिगोए हैं तो उसको वॉश करना है. मैं छत से नीचे आई ही थी कि कुल्फ़ी वाले भैया आ गए तो मैं जल्दी से नीचे कुल्फ़ी लेने आ गई. तो लियो को कल मैंने कुल्फ़ी दी थी, उसको बहुत पसंद आया तो मैंने सोचा कि आज पूरा उसको दे देते हैं. तो उसके लिए एक नॉर्मल मिल्क कुल्फ़ी ली है और मेरे लिए मलाई कुल्फ़ी ली है. तो मेरे हस्बैंड खिला रहे हैं इसको और ये बहुत ही मज़े से आँख बंद करके मज़े लेके कुल्फ़ी खा रहा है. तो डॉग्स को जो मिल्क प्रोडक्ट होते हैं वो देना अच्छा नहीं होता है, डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, लेकिन कभी कभी तो चलता है. बहुत ही मज़े से खा रहा है ये. फिर जो मैंने कपड़े धोए थे उसको मैं लेके ऊपर आ गई तो कल वाले कपड़े भी सूखे नहीं हैं तो इनको थोड़ा सा ऊपर ऊपर करके मैं मैनेज कर लूँगी. फिर मैंने यहाँ पे अपने कपड़े सुखा दिए, मुझे फ़ोल्ड करके सुखाने पड़े, डबल फोल्ड करके, क्योंकि हमारा जो कपड़ा सुखाने का ये है अभी थोड़ा सा डेलिकेट है, टूट गया था बीच में तो मेरे हस्बैंड ने अभी इस तरह से किया है तो थोड़ा सा डेलिकेट है. सो गाइज, मैंने लंच कर लिया है और दो बेडशीट्स वॉश करने थे वो भी मैंने वॉश करके सुखा दिए. आज धूप बिल्कुल भी नहीं है तो अभी मैं नीचे जा रही हूँ, देखते हैं कुछ काम है तो. काम तो है ही, किचन बहुत फैला पड़ा हुआ है. फिर मैंने नीचे आके सोचा कि मैं कपकेक बना लेती हूँ. तो मैंने 2 साल पहले एक बार कपकेक बनाया था, बहुत अच्छा बना था, लेकिन अभी जब से मुझे ट्यूबरक्यूलोसिस हुआ तब से मैंने ऐसा कुछ बनाया नहीं. तो आज मैंने सोचा कि थोड़ा सा बना लेती हूँ. तो मैंने 6 स्पून मैदा लिया, उसके ऊपर मैंने ऐड किया 3 स्पून कोका पाउडर और 6 स्पून शुगर. जितना मैदा लिया था उतना ही शुगर मैंने, पाउडर शुगर. फिर पता चला बेकिंग सोडा नहीं है, बेकिंग पाउडर भी नहीं है, तो मैंने ऐड किया ये एक पैकेट इनो. मैंने यूट्यूब में देखा था कि इनो से भी हो जाता है. तो फिर अच्छी तरीके से इसको मिक्स करके मैंने यहाँ पे वेजिटेबल ऑयल ऐड किया है 1 चम्मच, उसको ऐड करके अच्छी तरीके से मिक्स करके मैंने यहाँ पे मिल्क ऐड कर दिया है. तो ये एगलेस है, एग नहीं ऐड किया है मैंने. जब मैं चलाने लगी, इसको मिक्स करने लगी, तब मुझे पता चला कि जो कोका पाउडर था उसको मुझे छान के डालना चाहिए था, नहीं तो ऐसा हो जाता है, ये लम्स बन रहे हैं यहाँ पे. और मैंने एक बार थोड़ा सा टेस्ट किया तो मुझे शुगर कम लगा. फिर मैंने पिसी हुई चीनी थोड़ा सा ऐड कर दिया और मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ. और मैंने एक जो थिक वाली पैन होती है उसको गर्म करने के लिए रख दिया और इनको मैंने ग्रीस कर लिया है ऑयल से.
फिर इनमें मैंने हाफ 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 नहीं 3/4 डाला, उसके बाद मैंने कैडबरी डेरी मिल्क थोड़ा थोड़ा सा सब में ऐड कर दिया और इसमें रखा। इसको रखने के बाद मुझे पता चला कि दोनों का साइज़ अलग अलग है, तो मैंने कुछ इस तरह से इसको मैनेज किया ऊपर से ढकने के लिए, पहले तो ये छोटी से और उसके बाद बड़ी वाली थाली से इसको कवर कर दिया। अभी अभी मुझे एक पार्सल रिसीव हुआ है जिसका मैं बहुत टाइम से वेट कर रही थी एंड आई एम रियली 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 एक्साइटेड टू अनबॉक्स दिस। दिस इज फ्रॉम ज़ोक। तो ये ज़ोक से है, शोल्डर बैग है, दिस इज स्ट्रक्चर्ड शोल्डर बैग फ्रॉम ज़ोक। एंड ज़ोक जो है इट इज़ एन इंडियन ब्रांड, ये प्राउडली इंडियन है, क्रुएल्टी फ्री है। एंड जो बैग आप स्क्रीन पे देख रहे हैं दिस इज हैंड क्राफ्टेड, तो ये हैंड क्राफ्टेड है एंड इसका डिज़ाइन देखो बहुत अच्छा है और फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी है और अंदर भी स्पेशियस है। बाहर से दिखने पे तो अच्छा है ही, लेकिन अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, बीच में भी, मिडिल में भी कंपार्टमेंट है, साइड में भी पॉकेट है एंड इसके बैक साइड में भी पॉकेट है जिसमें बहुत सारी चीज़ें आराम से आ जाती है। तो इसकी मैंने जिप की क्वालिटी भी चेक की, जिप की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है और आप इसका ये डिज़ाइन देख सकते हो, बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है। ये इंडियन वेयर के साथ भी जाएगा, वेस्टर्न वेयर के साथ, ड्रेसेस, कुर्ता, किसी के साथ भी जाएगा एंड साइड में ये फुल लुक है बैग। और इस बैग का जो स्ट्रैप है ये भी वीगन लेदर से बना हुआ है, इसका मतलब ये है कि एनिमल स्किन यूज़ नहीं किया गया है। इफ़ यू वांट टू बाय दिस प्रोडक्ट, कूपन कोड है 12% डिस्काउंट के लिए YTRT12, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ज़रूर चेक करना। सो 40 मिनट्स लगे इसको बेक होने में, ये अच्छे से बेक हो गया है और जो है मैंने थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा बैटर डाल दिया, इसकी वजह से ऊपर ऊपर तक ये आ गया है, बाहर भी निकल गया था, तो इसको टेस्ट करके देखते हैं। सो गाइज, इट्स 6:30 इवनिंग में हम लोग बाहर निकल गए हैं क्योंकि हमें कुछ चीज़ें लेनी है और मुझे कुछ किचन आइटम्स भी लेनी है, तो हम लोग जा रहे हैं विशाल मेगा मार्ट, क्योंकि विशाल मेगा मार्ट में किचन आइटम्स बहुत अफोर्डेबल रेट में मिलता है। तो सबसे पहले हमें लेना है मिक्सर ग्राइंडर, क्योंकि हमारा मिक्सर ग्राइंडर को ख़राब हुए ऑलमोस्ट 6-7 months हो चुका है, तो फाइनली आज हमने डिसाइड किया कि हम ले ही लेते हैं। तो यहाँ पे 4-5 अच्छे अच्छे ब्रांड्स के थे तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ एंड फाइनली हमने ये वाला सेलेक्ट किया है बजाज का, तो ये वाला सेलेक्ट किया, हमने टेस्ट भी किया, उसके बाद ये हमको पैक करके दे रहे हैं। फिर हमने मिक्सर ग्राइंडर लेने के बाद हम लोग गए यहाँ पे फूड मैट्स के सेक्शन में, तो यहाँ पे फूड मैट रग्स थे, तो मुझे फूड मैट लेना है बाथरूम के जो आगे है उसके लिए, तो यहाँ पे फूड मैट की काफ़ी अच्छी वैरायटी है, बहुत ही बड़ा कलेक्शन है इनके पास फूड मैट रग्स, पिलो कवर, ये सब चीज़ों का। तो मैंने यहाँ पे एप्रन भी लेना था, तो मैं यहाँ पे एप्रन देख रही हूँ, एप्रन का लिमिटेड था तो मुझे ये वाला पसंद आया, मैंने ये ले लिया। फिर फूड मैट का मैंने ये वाला फूड मैट ले लिया, तो दिस इज़ ओनली फॉर ₹99, तो मैंने दो लिया। फिर उसके बाद जो है मुझे एक डस्टबिन भी लेना था, डस्टबिन के सेक्शन में गए तो डस्टबिन यहाँ पे ये पेडल वाला था, फिर बकेट्स वाला, मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ था, बट मैंने नहीं लिया एंड में। फिर मैं फुटवेयर के सेक्शन में गई क्योंकि मुझे चप्पल चाहिए थी और इतने सारे चप्पल में से मेरा साइज़ ही नहीं मिला, मेरा साइज़ है 7 नंबर और जो मुझे पसंद नहीं आ रहा था उसमें मेरा साइज़ मिल रहा था और जो मुझे पसंद आ रहा था उसमें साइज़ नहीं मिल रहा था, तो मैंने नहीं ली, बस मैंने देखा। और बच्चों का भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन था, ये जो बच्चों का शूज़ है उसको देख के मुझे आरा दिया कि याद आ गई, क्योंकि उसके अभी ऐसी ही एज है, यही शूज़ उसको फिट आएंगे और बाहर कुछ ऐसा दिख रहा था। तो ये वाली चप्पल मैंने ये की थी, लेकिन इसमें प्राइस टैग ही मिसिंग था। और यहाँ पे हैट्स का भी अच्छा कलेक्शन था, मतलब बहुत कम था। फिर मैं गई यहाँ पे जहाँ पे किचन आइटम्स मिलते हैं, तो मुझे कप लेना था, फिर मैं यहाँ पे देख रही हूँ कप, तो ये वाला कप मैंने चूज़ किया है। फिर मैं यहाँ पे प्लेट्स देख रही थी, तो ये वाला प्लेट मैंने लास्ट टाइम लिया था घर पे, सेम है, तो वही मैंने सेम 6 प्लेट्स उठा लिए क्योंकि उसी में ऐड करूँगी मैं, तो एक ही डिज़ाइन का हो जाएगा। फिर हम लोग गए बिलिंग काउंटर पे, हस्बैंड ने कुछ कपड़े भी लिए थे तो वो यहाँ पे बिल कर रहे हैं एंड हम लोग घर आ गए हैं एंड दिस इज़ आवर न्यू मिक्सचर ग्राइंडर। तो 6-7 महीने से मिक्सी खराब थी, इसीलिए मिल्कशेक, स्मूदी कुछ भी नहीं बना रहे थे हम लोग, तो फाइनली हमने मिक्सी ले ली। आज यूज़ नहीं करना है, ऐसे ही बंद करके रख दूँगी और कल से हम यूज़ कर लेंगे। और कैरी बैग के पैसे बचाने के लिए मैं लेके गई थी ये बैकपैक, जो कैरी करने में भी कम्फर्टेबल था और कैरी बैग के पैसे भी बच गए, दिमाग थोड़ा सा लगा। सो गाइज, इट्स 10:00, हमने डिनर कर लिया है, तो 7 बजे से लाइट नहीं थी और जो चार्जिंग वाला लाइट था वो भी चल ही नहीं रहा था, शायद चार्ज नहीं था, तो मैंने कैंडल जला के ऐसे वैसे डिनर बना लिया और अभी हमने डिनर किया, डिनर करने के बाद लाइट आया। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, आई होप यू गाइज लाइक इट। अगर आप लोगों मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल कलर्स ऑफ लाइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।